सागर पटेल है, मेरे बेटे का नाम इंद्रेश पटेल था, आज 10 दिन होगा उनका ये यहाँ इंतकाल हो गए, और आज तक जो है ना पुलिस कुछ नहीं कर सकी। जब हम कुछ भी पूछेंगे तो हमको यही रिस्पॉन्स आ रहा कि मेरी बेटी एक फोन करी तो उसको ये बोल रहे कि आप क्यों फोन करे, बोलते दो मिनट में रिस्पॉन्स आया। आज 10 दिन हुआ सीसीटीवी फोटोज का आए, हम फिर के भी जाओ और फिर के मैम को उनको बताइए, बोल रहे ये कैसा इंसाफ है, हमको इंसाफ चाहिए। मेरा बेटा तो वापिस हो जाता ये राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के सामने से मैं बात कर रहा हूँ, राजेंद्र पी एस में इस वक्त आई पे हूँ। अभी हम आए जब अंदर पुलिस जाने के बाद रूम पे गए, बच्चे की पूरी इंक्वायरी करे, और वहाँ पे रूम में जो है ना लड़की के कपड़े है, उसका बिस्तर है, हर चीज है, उसको जो जो लेडीज यूज करती पूरे हर चीज है, यहाँ तक लेडीज को शराब है, लेडीज को लिपस्टिक लगे हुए सिगरेट से पूरे, मेरे सिगरेट और शराब पीने वाली भी लड़की थी। मीडिया से बात करने की वजह क्या है? मैं मीडिया से मेरी गुजर गुजारिश है कि मेरे लड़के के लिए इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ दिलाइए। ये मेरे लड़के मेरा एक ही लड़का था, और उनकी माँ जो इस वक्त इतनी परेशान है, उनको खुद अब मेरे खुद डिप्रेशन मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बात करूँ। क्या नाम आपके लड़के का? नाम मेरे लड़के का नाम इंद्रेश पटेल था, आईटी में था, एक साल से जो है ना बच्चा होना कम कर रहा था, बात करे तो भी बात बराबर नहीं कर रहा था। हम तांडूस में रहने वाले, यहाँ से 120 किलोमीटर दूर है, और बार बार हम क्या बोलते हैं पैसे के, अब हमको सीसीटीवी फोटोज बताओ तो पीर के दिन आओ बोलते बोल रहे, पीर के दिन फिर आना हम 120 किलोमीटर से। और बच्चा दोनों साथ में तो साथ में रह रहे थे, आपको नहीं मालूम था? नहीं मालूम था इसके बारे में, नहीं मालूम था मेरे को। तो आज देखने के बाद, आज देखने के बाद पूरा मालूम, फोटोज देखने के बाद उनके फोन में देखने के बाद, मैं मेरे घर में और एक फोन था उसमें जाके देखे, दोस्तों के जरिए दिखा। बिल्डिंग में करते जी अब बच्चा जहाँ बिल्डिंग में, वो भी एरिया मुझे नहीं मालूम, आज पहली टाइम गया मैं ये भी मकान। मेरा नाम, हम तांडूर के रहने वाले है, मेरा लड़का तो ऐसा था नहीं सुसाइड करने के काबिल, ऐसा कर ही नहीं सकता उन्हें, उसको हर टाइम टॉर्चर करती थी, कि तो लड़की हर टाइम टॉर्चर कर करके उसको ऐसा किसी से बात करने नहीं देती, हम लोग से किसी से बात नहीं करता था उन्हें, सुसाइड तो करे वैसा नहीं है, ऐसा करके उसको कुछ करके ऐसा लटका दिया वैसा है, पैर पूरे जमीन पर है नीचे उसके। हाँ हम 8 दिन 10 दिन वहां मेरा लड़के का इंतकाल हो गए, राजेंद्र नगर की पुलिस को बोले वहाँ कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर, बोल रहे कुछ बोल रहे नहीं, कल आओ परसों ऐसा बोल रहे लोग। हम लोग आए पीएस को, वहाँ गए बिल्डिंग में गए, बच्चा कहाँ रहता वहाँ जाके देखे, लड़की के कपड़े है और कुछ और चीजें है गंदे गंदे ऐसा, वो लड़की का सब कुछ है वहाँ पे, वो लड़की का और वो लड़की रहती थी वहाँ बिल्डिंग में। हम जाके पूछे उनके घरों में जो तो नीचे फ्लोर पे है, वहाँ के औरतें भी बोले लड़की आती थी रात में तमाशा करती थी, वहाँ के वॉचमैन भी बोले आती थी लड़की सुबह 5 बजे रात में जाती थी, कभी दोपहर में आती थी ऐसा बोले, वहाँ सब 2-3 औरतें बोले। मैं घर पे जाके पूछी ऐसा लड़की ऐसा आती थी जाती थी, एक बार आके तो तमाशा बहुत करी, वॉचमैन बोले वहाँ के यहाँ की पुलिस कुछ नहीं कर रही, कुछ बोले तो ऐसा इजी ले ले रही है। 10 दिन से पुलिस वाले नहीं बुलाया? अब तक नहीं बुलाया, इतने बार हम फोन कर रहे थे आज बुलाते, इलेक्शन में कल बुलाते ऐसा बोल रहे, बोला कुछ कर रहे इसने पुलिस वाले। आज आए थे लोग, आज हम लोग आए तो पुलिस वाले आज आके बिल्डिंग में चक्कर है, जहाँ मेरा लड़का रहता जाके चक्कर है, देखे कपड़े है सब है लड़की के, सीसीटीवी फोटो नहीं बताते, सीसीटीवी बताते नहीं बोल रहे, वो भी क्या करे कि ले लेके पुलिस वाले वो उसमें देखो करो बोल तो कुछ भी नहीं बोल रहे पुलिस वाले भी, ये राजेंद्र नगर की पुलिस वाले यहाँ आए हुए हैं। हम क्या चाहिए आपको इंसाफ? मेरे को इंसाफ होना, मेरा बेटा तो सुसाइड नहीं कर सकता, उन्हें कर ही नहीं सकता, उसको मारे से बच्चे को मेरे हमारी बहुत उन्हें फिक्र करता था, उन्हें सुसाइड करा से मेरा बेटा एक बेटा था, मैं तुम्हें तो इंसाफ होना, ये पुलिस वाले कोई समझ रहे इसमें कुछ एक्शन इसमें ले रहे पुलिस वाले, ये मैं उनकी माँ हूँ, मेरे को एक बेटा था, मेरे को इंसाफ होना, ऐसा भी इंसाफ होना, मेरे बेटा सुसाइड करा इसने, सुसाइड करा भी तो वो लड़की की वजह से करा, उन्हें रात दिन टॉर्चर करती थी, कहते किसी से बात नहीं करने देती थी, कहते अब सब मालूम हो रहा है, सब जने बोल रहे, अब मेरे बेटे को इंसाफ होना। मैं इंद्रेश की बहुत अच्छी दोस्त हूँ, मैं इधर ही अतापुर में रहती हूँ। इमरोज और अनुष्का का रिलेशनशिप था 7 मंथ से, इतना मालूम है इमरोज बोला था,
और बहुत उनके बीच में ऐसा बहुत सफोकेट करके रखी थी उसको, झगड़े करती थी, हमसे बात करने नहीं देती थी, दोस्तों से बात करने नहीं देती थी। उसके चक्कर में नॉनवेज छोड़ दिया था, मैं जबरदस्ती खिलाई थी उसको, नहीं मैं नहीं खाता, उसको मालूम पड़ा तो गाली देती थी। और मैं उसको पूछी भी थी तो अतापुर में किधर रहता है, बोले तो नहीं अनुष्का को मालूम पड़ा तो गुस्सा करती। और उसके व्यक्ति 2 हफ्ते पहले भी मेरे को कॉल करके बोला, फर्दा मैं तुमको इंस्टाग्राम पे ब्लॉक कर दे रहा हूँ, अनुष्का को पसंद नहीं आ रहा तो वो झगड़े कर रही है आपको लेके। हम जब भी ऐसा बाहर मिलते थे हमको देख के भी अनदेखा कर देता था, क्योंकि अनुष्का को अच्छा नहीं लगता था। और सब दोस्तों को ब्लॉक दूर कर दी थी, उसके कलीग्स को भी, ऑफिस में अगर कलीग्स के साथ भी बात करता था तो क्यों बात कर रहा है, मैनेजर से क्यों बात कर रहा है, तू भी मैनेजर लेडी थी तो उनसे भी बात करते। हाँ, तो नहीं वो खुश नहीं था इमरोज बिल्कुल भी, बहुत प्रेशर कर दी थी, अकेला कर दी थी उसको। और ये भी बोला था इमरोज की, नहीं अब मुझसे नहीं हो रहा है, सहन नहीं हो रहा है, मैं लास्ट मेरे बर्थडे तक देखूंगा, उसका बर्थडे नेक्स्ट मंथ जून में आ रहा है, मैं देखूंगा नहीं तो मेरे घर वालों के पसंद से शादी करके लूंगा। वो लड़की भी शादी करने के लिए रेडी थी, उसके साथ घर पे बोली थी करके ऐसे बोला था, और इमरोज भी रेडी था उसके साथ शादी करने के लिए। मतलब लिविंग रिलेशन में थे? लिविंग में थे वो तो नहीं मालूम, लेकिन वो आती रहती थी उसके घर पे, आती जाती रहती थी घर पे। और पूरा जो सामान है वो बोलता था अनुष्का दिलाई मेरे को, पूरा सब पका के रेडी करके रखे जाती थी। और लेकिन उसको कहीं भी बाहर जाने नहीं देती थी, कपड़े वगैरह भी इनके क्लोथ वगैरह भी फ्लैट पे मिले फ्लैट में। हाँ वो भी रहती थी आना, मतलब जब वर्क फ्रॉम होम रहता था अनुष्का का, आके यहाँ पे रहती थी दोनों साथ में, खाना वाना बना के रहना, फिर रात में ना छोड़ के आना। आपको मैं उनका दोस्त हूँ, जो मेरे को फर्स्ट फोन आया कि इमरोज फोन नहीं उठा रहा, हम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई और फोन नहीं उठा रहा, आप जाके चेक करो कि मेरे को अनुष्का फोन करे, तो मैं 10 मिनट में आके मैं वॉचमैन डोर तोड़े तो उन्होंने आके देख के चले गए रात में 12:30। आप ऊपर फ्लैट देखे? अभी ऊपर नहीं देखे, थोड़ी देर पहले आप देखे थे ना? हाँ देखा, तो उसमें कपड़े है, कपड़े आते, बच्ची आती थी हमारे साथ में, मैं भी देखा बच्ची आती थी, रहती थी, सब करती थी बच्ची के कपड़े। हालांकि मैं उनकी मम्मी को बोला, अनुष्का अग्रवाल है, बच्ची थी जाती थी, हमसे बात तो नहीं करती थी, उन्होंने लड़के भैया से बात करते थे, भैया अच्छे थे, उन्होंने लड़की कभी आती थी जाती थी। जिस दिन ये तमाशा हुआ था उस दिन क्या हालत में थे, उन्होंने क्या नशा कर रहे थे, क्या हो रहा था? वो हम लोग नहीं देखे, हम लोग दूसरे जना बोलते सुने थे, ये पसोलर वाले आए थे कहते, जब से तो उन्होंने इधर सो रही थी कहते, मेरा लिपस्टिक ला क्या वो ला क्या बोल के बोल रही थी कहते, तो इधर लेटी थी कहते, पीछे लेट गए थे जमीन जी। उसके बाद उन लोग देख लिए कहते, पहली बार लड़ाई हुई, हमेशा होते रहते थे? नहीं पहली बार हुआ शायद, उस ऊपर का क्या होता था क्या नहीं होता था वो नहीं मालूम, फ्लोर पे था ना कुछ मालूम नहीं होता, मालूम नहीं होता। दोनों एक साथ आते थे? दोनों एक साथ नहीं, कभी तो अब उनका टाइमिंग के हिसाब से उन्हें आते थे, कभी तो एक बार दोनों साथ में आते थे, कभी तो एक बार। बच्ची है ऊपर आके क्या तमाशा करी? ऊपर तमाशा कुछ हो रहा ऊपर ना, क्या तमाशा हो भी ऊपर का नहीं मालूम हमारे को, नीचे तमाशा हो रहा है वो भी। कैसा मालूम आप कौन बोले आप? ओ यहाँ पूरे जने इकट्ठा होने के बाद सुसाइड हुए, सो दिन मालूम हुआ ऐसा तमाशा हुआ था। क्या हुआ था? शायद वो पी के थी कि क्या थी कि वहाँ सो गई थी, फिर उसके बाद जमीन पे लेटी थी, नीचे जमीन पे लेटी हुई थी गेट के सामने, गेट के सामने। और क्या हालत में थे उन्हों? वो तो नहीं देखा मैं, देखे तो शायद पूरा क्लियर बोले आपके सामने क्या सुना, आपको मालूम है क्या हुआ था?